क्या सोचा था तूने? नहीं, क्या सोचा था जब तूने क्लास 10th में एंटर किया था या क्लास 12th में एंटर किया था, तब तूने क्या सोचा था? यही सोचा था ना कि अपने बोर्ड्स में मैं बेस्ट दूंगा। तो भाई जब देने की बारी आ गई है तो तू अपना बेस्ट क्यों नहीं दे रहा? अब क्यों पीछे हट रहा है? आज स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो तूने यही सोचा था ना कि तू अपना बेस्ट देगा जब तेरे देने की बारी आई है, कि हाँ अब तुझे बेस्ट देना है, तुझे अपने पेरेंट्स को कुछ शो करना है, तब क्यों पीछे हट रहा है? अगर तेरे प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए या तेरे फर्स्ट टर्म एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, इससे तेरे बोर्ड्स का क्या लेना देना? पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, उस चीज को गलत प्रूफ कर दे। अगर तेरे प्री बोर्ड में नंबर कम आए थे या तेरे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में नंबर कम आए थे, पढ़ाई करके बोर्ड्स में अच्छे ला, बोर्ड्स में तो अच्छा स्कोर कर सकता है। मेहनत कर, दिन में इतना पढ़, इतना पढ़। तेरे पास अभी भी 3 महीने हैं ना, 3 नहीं तो 2 महीने तो पूरे हैं। अपने आप को शो कर कि हाँ तेरे अंदर कितना कैलिबर है, कितना स्ट्रांग है तू। और हाँ, मुझे पता है तू ये कर सकता है। तू पता है क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुझे डर है कि अगर मेरे बोर्ड्स में नंबर कम आएंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे क्लास 11th में अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, या अगर मैं क्लास 12th में हूँ तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो पहले से डर रहा है। डर मत, किसी भी चीज़ से मत डर, अपना बेस्ट दे। इतना पढ़, इतना पढ़, दिन में 3 घंटे पढ़, 4 घंटे पढ़, 5 घंटे पढ़, इतनी ज़्यादा चीज़ें याद कर ले कि तेरा एग्ज़ाम अच्छा हो ही हो। अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट दे, अपनी तरफ से क्यों हार मान रहा है? मुझे पता है तू कर सकता है, लेकिन तू करना नहीं चाहता, तेरे अंदर डर है। तू हमेशा अकेले बैठ के नेगेटिव चीज़ें लाता है माइंड में। पॉजिटिव चीज़ें लाना कि हाँ अगर मेरा 10th में अच्छा स्कोर हो गया, 12th में अच्छा स्कोर हो गया, तो मेरे घर वाले कितना खुश होंगे, मुझे खुद को कितना अच्छा लगेगा, ये चीज़ें तू सोच ही नहीं रहा। तू तो बस यही सोच रहा है कि हाँ अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरा क्या होगा। पढ़ाई कर, इन सब चीज़ों को बदल, और मुझे पता है तू ये कर सकता है। तुझे तेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है? अपने आप के बारे में समझ, देख तू कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, और किस वजह से तेरे नंबर कम आ रहे हैं। अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो और अच्छे कैसे आएंगे? किन जगहों पे मुझे फोकस करना चाहिए, उन जगहों पे फोकस कर। नेगेटिव चीज़ें माइंड में मत ला। तू कर सकता है, करने की कोशिश तो कर, दिमाग तो लगा। जब तू शुरू में 10th में आया था, 12th में आया था, तब भी तूने सोचा था। करने की बारी में पीछे मत हट, अभी भी टाइम है तेरे पास। 2 महीने हैं, 2 महीने, 1.5 महीने, जितना भी टाइम है पढ़। डेली 3 घंटे दे, 4 घंटे दे, 5 घंटे दे, जितना दे सकता टाइम दे ना। अपने पेरेंट्स को खुश कर, तेरे पेरेंट्स की खुशी तेरे नंबर से है, तेरे सेटिस्फेक्शन से है, तेरे से है। तो मेहनत कर, इतना पढ़, इतना पढ़ कि तेरे बोर्ड्स में नंबर अच्छा ही आए। मेहनत इतनी कर, इतनी कर कि दुनिया तेरी मिसाल दे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है। मेहनत कर, जैसे तो एग्ज़ाम दे के निकलेगा तेरे अंदर ये होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेस्ट शॉट था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। अब तेरा बेस्ट तेरे को कितने मार्क्स तक लेके जा सकता है वो छोड़ दे, तू अपना बेस्ट तो दे। डर मत किसी भी चीज़ से, बोर्ड एग्ज़ाम है ये, तेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली यहाँ पे। यहाँ पे तुझे शो करना है कि तू कितनी मेहनत कर सकता है, तू कितना पढ़ सकता है। तेरे कैलिबर का टेस्ट हो रहा है ये, इस टेस्ट में पास होके दिखाना। पढ़ाई करना, क्यों नहीं करता पढ़ाई? ये तेरे पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई कर, घर वालों को अच्छे नंबर ला के दिखा, मेहनत कर, अपने आप को सेटिस्फाई कर। नेगेटिव चीज़ें माइंड में मत ला, जितना पढ़ सकता है उतना पढ़, पूरी मेहनत कर, तू अच्छा स्कोर कर सकता है। तुझे तेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। पूरी मेहनत कर, 10th में या 12th में इतना ज़्यादा पढ़, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला। पढ़ाई कर क्योंकि तू चाहता है अपने घर वालों को प्रूफ करना कि तू बेस्ट है। और तू तब बेस्ट बनेगा जब तू अपना बेस्ट देगा, अपने बेस्ट एफर्ट लगाएगा, तो तुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ाई करना, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने एफर्ट डाल सकता है डाल, पढ़ाई कर।